अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़ा ब्यूटी टिप्स। मेरी आज की वीडियो ना ही किसी ब्यूटी टिप के बारे में है और ना ही मेकअप के बारे में। वैसे भी मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ, सो आज भी मैं वही करूँगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इन दो ट्यूब्स का रिव्यू शेयर करूँगी। एक है जी ट्रोकार्ट क्रीम और दूसरी है लोट्रिक्स क्रीम। ये दोनों एलर्जी की क्रीम्स हैं, एलर्जी की ये मेडिकेटेड ट्यूब्स हैं। सो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि समर स्टार्ट हो चुका है, गर्मियों में गर्मी की वजह से ही यहाँ कुछ खाने की ऊंच नीच हो जाए तो उस वजह से हमें एलर्जी हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को हो सकती है एलर्जी। बॉयज़ को कॉलर की वजह से हो सकती है क्योंकि गर्मी में कॉलर जो है वो मोटी लगती है, तो पाँव पे भी हो सकती है शूज़ की वजह से, या बाजू पे, हाथ पे, कोहनी पे, नेक पे, कहीं पे भी एलर्जी हो सकती है। लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है क्योंकि उसका सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है। ये है लोट्रिक्स क्रीम। रिसेंटली मेरे मामा के पाँव पे भी ये ख़ारिश की वजह से एलर्जी हो गई थी, तो फिर मैंने मामा के पाँव की वीडियो बना ली। ये बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली वीडियो है, मोबाइल के ओरिजिनल कैमरा से शूट की गई है, कोई फ़िल्टर वाला कैमरा यूज़ नहीं किया गया। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे 3 से 4 दिन में एलर्जी से छुटकारा पा लिया। ये जो लोट्रिक्स क्रीम है इसको मैंने टिकटॉक की एक वीडियो में देखा था, तो फिर मैंने भी इसे बाय कर लिया। ये वर्क करती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। फिर जी मैंने ये ट्रोकार्ट क्रीम बाय की क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट इमीडिएटली चाहिए था। मामा ने ख़ारिश कर करके उस ख़ारिश को मज़ीद फैला लिया था, इसलिए फिर मैंने ये वाली क्रीम जो है बाय कर ली और इसके 3 दिन का इस्तेमाल आपके सामने है। ये है जी ट्रोकार्ट क्रीम। ये हर किस्म की एलर्जी और ख़ारिश के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये 3 से 4 दिन में अपना असर दिखा देती है और आपकी ख़ारिश या एलर्जी को गायब कर देती है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो लोट्रिक्स तो मैंने पहली बार बाय की है लेकिन फिर भी इसने काम किया था। आहिस्ता आहिस्ता से जो है एलर्जी वो ख़त्म हो रही थी। बट ट्रोकार्ट मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, उसका रिज़ल्ट तो मुझे पता था कि भाई उससे जो है एलर्जी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको जी लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अब मैं चलो इसी ट्यूब के साथ डेमो दे देती हूँ। ये इतनी सी अमाउंट लेनी है आपने, अगर आपको ज़्यादा जगह पर एलर्जी है तो इसकी ज़्यादा अमाउंट लेनी है। फिर जी इसको अपनी एलर्जी वाली जगह पे फैला लेना है। इतना रगड़ रगड़ के नहीं फैलाना, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको अपने इफ़ेक्टिव एरिया पे अप्लाई कर लेना है, जैसा कि मैंने किया है। इसको रगड़ना इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर हम इसको रगड़ेंगे तो फिर ख़ारिश जो है, एलर्जी जो है, वो कहेगी कि भाई और मारो, मुझे और मारो, तो फिर ख़ारिश करने से जो क्रीम है वो भी रिमूव हो जाएगी। इसलिए हमने बहुत ही हल्के हाथों से क्रीम को इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। एलर्जी किसी भी किस्म की हो, ब्लैक हो, सर्कल वाली हो, रेडनेस वाली हो, कोई भी एलर्जी हो, इन ट्यूब्स के इस्तेमाल से वो एलर्जी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एज़ यू कैन सी हमारी एलर्जी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बहुत ही थोड़े से निशानात बाकी हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो, ये था जी मेरा आज का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू एंड ऑनेस्ट एडवाइस। सो गाइज, यू कैन बाई दीज ट्यूब्स फॉर एलर्जी, एनी काइंड ऑफ एलर्जी, इट रियली वर्क्स। मेरी वीडियो जिस पर मैंने बहुत ही मेहनत की है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो और हर नए एक्सपीरियंस की वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।